नमस्कार आज हमारे साथ में लखनऊ यूनिवर्सिटी के दर्शन शास्त्र विभाग के प्रोफेसर राजेंद्र वर्मा जी हैं जो लखनऊ टीचर एसोसिएशन महामंत्री भी हैं राजेंद्र वर्मा जी से नई शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करेंगे उनसे जानकारी करेंगे कि ये आम जनमानस को क्या प्रभाव पड़ेगा और जो पढ़ रहे छात्रों को क्या प्रभाव पड़ेगा जी राजेंद्र वर्मा जी अभी जो नई शिक्षा नीति लागू हुई है इसको लेके कई चर्चाएं चल रही हैं कई भ्रांतियां चल रही हैं और सरकार दावा कर रही है कि चीज़ें सही हैं तो नई शिक्षा नीति और पुरानी शिक्षा नीति में क्या अंतर है क्या ऐसी देखिए अभी क्योंकि जब नई नई आई थी तो हम लोग भी संशय में थे कि जब इसको इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो इम्प्लीमेंटेशन अभी इसको कहा गया अभी 2023 तक ये लागू हो जाना चाहिए लेकिन बहुत से विश्वविद्यालय ऐसे हैं क्योंकि जो माहौल चल रहा है तो विश्वविद्यालयों में होड़ मची है कि हम पहले हम पहले हम पहले तो इसके बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव दुष्परिणाम जो हैं वो भविष्य में आएंगे उभर के जो हम लोग उसको देख रहे हैं और जो जहाँ तक पुरानी शिक्षा नीति और नई शिक्षा नीति के कंपेरिजन की बात की आपने तो देखिए जो पुरानी शिक्षा नीति जो ख़ासतौर से यदि हम बानवे और छियासी वाली बात करें बात करें जो उसके पहले लागू थी तो एक आप कह सकते हैं कि एक मत के निकलना कोई चीज़ और एक एक जल्दबाजी में निर्णय दोनों में बहुत अंतर होते हैं तो खास तौर से जो नई शिक्षा नीति जिसको एन ई पी दो हज़ार बीस बोल रहे हैं हम लोग ट्वेंटी ट्वेंटी बोल रहे हैं उसके प्रोसेस पे बड़ी प्रॉब्लम है देखिए कोई भी संसद में जब कोई बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय को आप ला रहे हैं और देश में शिक्षा नई शिक्षा नीति लागू करने की बात कर रहे हैं तो एक जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत कोई लॉ आता है या कोई नीति बनती है जहां पर संसद में सबसे ज़्यादा डिस्कशन होता है ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि संसद में इस नीति को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई इसलिए लोगों में और संशय उत्पन्न हो रहे हैं और जिस हिसाब से उसको पढ़ रहे हैं और जो एक्ट दिख रहे हैं सोसाइटी में एक चीज़ होता है कहना और एक होता है होना हम कहें कुछ भी और करें कुछ तो हमारा मोड ऑफ एक्शन दूसरा है और हमारा मोड ऑफ टॉकिंग दूसरा है तो इसके जो कहते हैं कि आपके कथनी और करनी में बहुत अंतर है तो वो परिलक्षित हो रहा है कि न्यू शिक्षा नीति के परिणाम कैसे होंगे अभी भविष्य के बारे में तो बहुत कुछ नहीं कहा जा सकता है लेकिन एक संदेह है कि ये घातक होगी अल्टीमेटली लेवल पर बहुत पॉइंट पर इससे एक ऐसे क्योस क्रिएट होगा आज आठ दस साल बाद कि वो जनरेशन जाएगी कहाँ देखिए जो और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण इन्होंने कहा कि हमने भाई आपको इतनी स्वायत्तता दे दी है और आपके मल्टीपल हमने एंट्री और मल्टीपल एग्जिट रखे हैं सुनने में और बोलने में बड़ा अच्छा लगता है कि आपने भाई ऑटोनॉमी दे दी किस मामले की ऑटोनॉमी आपकी पहला प्रश्न आता है कि ऑटोनॉमी आपने दी कैसे आप जो दिख रहा है कि लगातार एजुकेशन का बजट कम हो रहा है ठीक है बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए आप एक ऐसी पॉलिसी ला रहे हैं जो मैक्सिमम विश्वविद्यालय भारत के मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम विश्वविद्यालय नाइन्टी परसेंट विश्वविद्यालय के पास इंफ्रास्ट्रक्चर उस लेवल का नहीं है जिस लेवल की आप पॉलिसी जो आप लाने की कोशिश कर रहे हैं और मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट की बात कर रहे हैं इसके बाद आपका उसका वो आपने कहा कि हम एक चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम बना लेंगे दस पॉइंट हर सरकार अपने हिसाब से काम कर रही है कि वो कर देंगे तो मेरी एक केवल आशा यह है कि स्वायत्तता स्वायत्तता हर एजुकेशन पॉलिसी के दूसरी लाइन में हम ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी दे रहे हैं तो ऑटोनॉमी के सही अर्थ आपको समझने होंगे भारत केवल भारत सरकार ख़ासतौर से केवल इस बात से ऑटो आपको ऑटोनॉमस करना चाहती है कि हम पर आप फाइनेंशियल लोड मत डालिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपको हम प्रसय दें जबकि एजुकेशन शिक्षा जो शिक्षा और स्वास्थ्य जो है भारत सरकार उन पे अभी भारत जैसे देश के लिए एक वेलफेयर स्टेट के रूप में जो कार्य करती थी उसके लिए आपको धन भी उपलब्ध कराती थी पैसा भी उपलब्ध कराती थी और जो संसाधन अभी संपन्न नहीं है उनको मदद भी करती थी एड के रूप में मदद करती थी और भी और स्टेबलिस करने के लिए भी अब आप कह रहे हैं कि नहीं हम पैसा से आप स्वतंत्र हो जाइए हम पैसा ऐसा की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे केवल हम एडमिनिस्ट्रेशन चलाएँगे दूसरी और एक महत्वपूर्ण बात इसमें सबसे है कि आपने जो कॉमन सिलेबस की इंट्रोड्यूस की बात की बहुत लोग कह रहे हैं कि नहीं ये अच्छी चीज़ है मुझे व्यक्तिगत कहना पड़ रहा है कि हायर एजुकेशन सिस्टम में आप कॉमन सिलेबस की बात नहीं कर सकते हायर एजुकेशन से स्पेशलाइज सिलेबस होता है आप कोई स्पेशलाइजेशन मेरा फिलोसफी जैसे विषय है फिलोसफी में हो सकता है मैं लॉजिक में स्पेशलिस्ट हूँ हो सकता है मैं एक पार्ट इंडियन फिलोसफी का एक्सपर्ट हूँ मैं वेस्टर्न का एक्सपर्ट हूँ ठीक है आप कह रहे हैं कि सबको सब चीज़ पढ़ना है तो आप जो सबको सब चीज़ पढ़ाएंगे ना तो थॉट प्रोसेस आपका जाएगा कहाँ जिसके लिए विश्वविद्यालयों का जन्म हुआ था वो मल्टी कल्चरलम कहाँ जाएगा वो डाइवर्सिटी कहाँ जाएगी तो ये विश्वविद्यालयों स... की बात हुई से जो चर्चा ये भी हो रही है कि दसवीं और बारहवीं के जो बोर्ड के एग्जाम जी जी, जी ये साल भर में हो जी 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 लेकिन ये है कि ये छः महीने में कराए जाएंगे कराया जाए ये कहाँ तक लग रहा है कि चीज़ें हो पाएंगी कैसे किस तरीके की देखिए आप मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है और ज़्यादातर आप लोग भी यदि विश्वविद्यालयों पे आप बात करेंगे छात्रों से भी बात करेंगे और ज़्यादातर शिक्षकों से बात करेंगे छात्र हो सकता है अभी उस लेवल पे नहीं समझ पा रहे हैं आप ज़्यादातर शिक्षक शिक्षकों से बात करेंगे तो कहेंगे कि अब विश्वविद्यालय धीरे धीरे केवल परीक्षा कराने और रिजल्ट निकालने के ही काम करने में आने लगे हैं और इनका रिसर्च और शिक्षा से धीरे धीरे संबंध खत्म हो रहा है ये ख़त्म शिक्षक नहीं कर रहे हैं ये सरकारें कर रही हैं सरकारें ऐसी ऐसी चीज़ें ला रही हैं ऐसी ऐसी थोप रही हैं चाहे कॉमन सिलेबस के नाम पर हो चाहे आपने अभी इस इस बारे में सिलसिले में बात की हाई स्कूल तक चीज़ें बिल्कुल एकदम सही अब बिल्कुल हाई स्कूल इंटर की जो बात है पहले देखिए दस प्लस टेन प्लस टू का जो सिस्टम था वो था कि सरकारें बारह साल तक बच्चों को अपना वो र, जो राज का विषय था शिक्षा अभी भी है तो जो उन, उन, उनको राज्य सरकारें देखती थी कि, कि कैसा बोर्ड होगा कैसा वो होगा इसके बाद जब वो जाते थे यूनिवर्सिटी में तो उनका डायमेंशन खुलता था वो थाट प्रोसेस खुलता था और इनोवेशन के आइडियाज उनके पास थे कि आप स्वतंत्र हैं आप हिसाब से विषय चुनिए इस के एजुकेशन पॉलिसी में भी कह रहे हैं कि चुनेंगे आपको स्वायत्तता है आपको तो हर लेवल पर स्वायत्तता दे रहे हैं उसकी मैं बात बाद में बताऊंगा आपको क्या उसके लूपल होंगे लेकिन जो एक जब मैं बोल रहा हूं कि एक दायित्व से भागना जिम्मेदारी से भागना और जल्दबाजी में आप देखिए लाते हम कोई किसी को किस हमेशा सरकारों का काम है कोई अच्छी पॉलिसी लाना अच्छे मकसद से हो सकता है सरकार भी लाई हो मैं इसके इसके लिए सरकार को सही नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि केवल जो डिस्कशन नहीं हुए हैं इसके इसके प्रो क्या हैं इसके कॉइंस क्या हैं मतलब इसके इसके सकारात्मक पहलू क्या हैं और निगे नकारात्मक पहलू क्या है सबसे ज़्यादा जो स्वच्छंद रूप से डिस्कशन होता है वो संसद में होता है वहाँ पे बाइंडिंग नहीं होती है आप कुलपतियों को कहेंगे कुलपति सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते वो यसमैन कहेंगे हाँ हाँ करेंगे कुलपति निर्देश देंगे शिक्षकों को शिक्षकों के इतनी आप आजकल जिस हिसाब से माहौल चल रहा है उसमें शिक्षक भी नहीं विरोध कर पाएंगे ठीक है तो आप इम्पोजिशन जो कर रहे हैं ना इम्पोज कर रहे हैं किसी चीज़ को और किसी चीज़ को एक स्वतः ग्रहण करने में अंतर होता है तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थोपी जा रही है नहीं सर पैरल ये कहा जा रहा है कि जैसे क्या है कि दसवीं बारहवीं करने के बाद एक पैरेलल एजुकेशन होगा जिसके माध्यम से स्टूडेंट व्यवसायिक शिक्षा भी ग्रहण करेगा और कुछ ऐसे टेक्निकल चीज़ें ग्रहण करेगा जिससे उसको जो है आने वाले समय में नौकरी या पैसे या रोजगार में सहायता मिलेगी इसको बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया और इस प्रश्न को ध्यान से इसका उत्तर समझिए मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं आपने बड़ी अच्छी कही कि आपको भी लगेगा कि मेरा बेटा सर्विस करने लगे जो सर्विस का क्राइटेरिया है आपने कहा है एक साल में हम डिप्लोमा देंगे दूसरे साल में एक सर्टिफिकेट पहले साल में सर्टिफिकेट दूसरे में डिप्लोमा तीसरे में डिग्री और चौथे साल में रिसर्च और डिग्री का कोर्स हम करके आपको विदा कर देंगे प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आपने तो कह दिया भैया मैंने एक साल मुझे स्वतंत्रता है पढ़ने की एक साल में आपको हम सर्टिफिकेट कोर्स दे दिया उस सर्टिफिकेट कोर्स की आपने जहाँ पर जो बच्चा एम्प्लॉयमेंट लेगा कहीं पे आपने एंट्री की है क्या मैं एक साल का डिप्लोमा लेके यूपीएससी आईएएस नेट पीएचडी या कुछ भी जो मुझे करना है सर्विसेज के जो संसाधन हैं उसके लिए किया है आपने कोई प्रोविज़न में दो साल की डिग्री लेके कहीं मुझे नौकरी मिलेगी सरकारी नौकरियों की बात कर रहा हूँ प्राइवेट नौकरियों को भी सम्मिलित कर लीजिए बिना डिग्री के बिना किसी उसके क्या मैं किसी ए, मुझे तीन साल की डिग्री नहीं होगी चार साल की डिग्री नहीं होगी दो साल के डिप्लोमा कोर्स में जहाँ पे डिप्लोमा है आप कहेंगे प्राइवेट में आप ठीक है आपको दो साल का डिप्लोमा हम एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो सर वो नौकरी आपको कैसी देंगे पाँच हज़ार दस हज़ार वाली जो स्थिति है ठीक है किसी कंपनी में रख लिया छोटी मोटी कंपनी में आपको छोटा मोटा दी आपके संसाधन आपकी समग्रता और आपकी जो आपकी थॉट है आपकी किस लेवल तक जाना चाहते हैं उसका विकास रुकेगा आप कर देते हम कह आप कहिए कि हमारे भैया तीन साल की डिग्री भी यूपीएससी वाले एग्जाम जो देंगे उनके लिए वैलिड है आपने वो काम नहीं किया अच्छा वो क्लास इसमें बिल्कुल नहीं।, नहीं किया अभी आपने ठीक है तो जो कागज़ के टुकड़े टुकड़े के पहले भाई एक पूरा कागज का टुकड़ा है पहले साल आधा पढ़ के ले लो एक टुकड़ा ले लो दूसरे साल दूसरा टुकड़ा ले लो तीसरे साल थोड़ा सा ज़्यादा और टुकड़ा ले लो चौथे साल आप पूरा जितना बचा हो वो टुकड़ा ले लो तो टुकड़ों टुकड़ों का अलग अलग महत्व है या पूरे का महत्व है तो ये एक प्रश्न है जो सरकारों को सोचना चाहिए कि जो सरकारी जो सरकारी संस्थाएं हैं मतलब जो जहां पर नौकरी करेगा लोग बच्चा लोग नौकरी सरकारी नौकरियों को के लिए जो बच्चों का प्रयास रहता है कंपटीशन देते हैं उसके लिए क्या आपने उस लेवल पर आपने अपने डिग्री अपनी मान्यताओं की कि दो साल की डिग्री एक साल की डिग्री अलग अलग विषयों की डिग्री बहुत महत्वपूर्ण बात है आपने एक साल इसमें किया आपने कहा कि हम दूसरे साल भाई हमारा मन पढ़ने का मन नहीं है हम दूसरा विषय पढ़ना चाहते हैं तो आपने मल्टी कर दिया बड़ा अच्छा कि आपने भैया ज्ञान का सागर खोल दिया hmm. आपने स्पेशलाइज किसी को नहीं बनाया विश्वविद्यालयों का काम है स्पेशलाइजेशन ध्यान रखिए hmm. उच्च शिक्षा का काम है स्पेशलाइजेशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलग हैं बोर्ड इंस्टीट्यूट अलग हैं लेकिन आप बोर्ड इंस्टीट्यूट में कौन सिलेबस होता है आप पढ़ाइए सबको एक जैसा पढ़ना है इसके बाद आप धीरे धीरे आपको एक लाइन पकड़ के आप उस पर धीरे धीरे घुसेंगे तो रिसर्च करेंगे आप आँख के डॉक्टर से किडनी का इलाज नहीं कराएंगे किडनी का स्पेशलिस्ट अलग होगा आँख का स्पेशलिस्ट अलग होगा इस चीज़ को समझना पड़ेगा इसीलिए इसीलिए आप जब कह रहे हैं कि एक साल आपने ये किया एक साल दूसरे किया कंपनी कहेगा भैया हमको इस बार में एक्सपर्ट चाहिए आपकी एम में ठीक है एम में आपको एच चाहिए कहेंगे अच्छा कहाँ है आपने कहा है, थे दूसरे साल तो हम दूसरा कर लिए थे तो कंपनियाँ भी उस तरीके से फिर डिमांड करेंगे ऐसा डिमांड करेंगी करेंगे? ना नहीं करी, ऐसा नहीं सर, करी तो नहीं करी तो कंपनी ने पाँच साल बाद करी जो जनरेशन हमारी पाँच साल सात साल में तैयार हुई वो बच्चे कहाँ जाएंगे वो कहाँ रहेंगे सर ये एम की जो डिग्री की बात हो रही है कहाँ तक लाभदायी होता था स्टूडेंट के लिए वो आप लोग जानते होंगे तो उसके भी खत्म करने की बात चल रही एम फिल अब नहीं होता ठीक है एम तो हाँ इसमें क्या नुकसान हो चलिए उसमें ये था कि बच्चों को स्कॉलरशिप एक एम फिल में भी दी जाती थी और इसको माना जाता था कि ये भी एक शोध प्रबंध के रूप में आपका कंसिडर होगा और उसके सर्विस रूल्स में खासतौर से अकेडमिक जगत में उसके फायदे भी थे ठीक है उसकी मैच्योरिटी लेवल और बढ़ती थी रिसर्च के पहले उसका एक वर्क हो जाता था जिससे जो कमियां रह जाती थी उसमें रिसर्च में अपना वो परपक होके निकलता था तो कहीं कहीं एम फिल अलाउ भी थी कहीं कहीं नहीं भी थी उसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा मुझे जो ऐसा लगता है कि ठीक है आप रिसर्च भी अच्छा कर लेते हैं आप पेपर भी आपके पब्लिश हो रहे हैं जो क्राइटेरिया है जैसा है तो चलिए वो वो बड़ा इशू नहीं है हाँ वो बड़ा इशू नहीं है लेकिन एम रहता तो अच्छा रहता ये इस इस बात पे मेरा है कि वो आपका ये देखिए खासतौर से एकेडमिक जगत में आपको उसका बेनिफिट मिलता था जी ये ए, अगर जैसे बजट की जहाँ तक बात हुई कि सरकार एक कह रही कि इसके लिए बजट अलॉटमेंट किए जाएंगे तो आप कह रहे हैं कि अभी बजट बजट का प्रावधान नहीं है तो क्या लगता है कि इसमें एक्स्ट्रा बजट लगेंगे इस नई शिक्षा नीति में कुछ अलग बजट की जरूरत पड़ेगी आपकी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी हम बोल तो रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय में आप बैठे हैं ये तो बहुत प्रदेश का सबसे नंबर वन विश्वविद्यालय है ठीक है यहाँ पर भी आप घूम जाइएगा सुबह टीचरों के बैठने की व्यवस्था देख लीजिएगा कि कहाँ कितने टीचरों को रूम है जगह ही नहीं है इसके बाद आप कह रहे हैं कि बच्चों को बच्चे मल्टीपल एग्जिट मल्टीपल आपके पूरी कार्य प्रणाली ध्वस्त हो जाएगी केवल रिजल्ट निकालने और पेपर बनाने में परीक्षा कराने और रिजल्ट निकालने में शिक्षक बिजी रहेगा आप कब रिसर्च कराएंगे? बड़ा दुख के साथ कहना पड़ेगा कब क्लासेस लेंगे जिस हिसाब से सेमेस्टर सिस्टम भी है सी आप कहने में बड़ी अच्छी बात है कि आपने सब कुछ लागू कर दिया आप उसका आपने डिजिटलाइजेशन भयानक रूप से चाहिए मतलब जिसको कहते हैं ना कि बड़े लेवल पर मास लेवल पर एकदम आमोल चूल रूप से चाहिए रिवोल्यूशनरी कि आपको क्या है सबका डाटा बेस रखना यहाँ एक साल बाद दो साल बाद डाटा बेस नहीं रहता है आपके पास नेट नहीं है ढंग से ठीक है तो ये सब परेशानियाँ हैं इसके बाद रेशियो सबसे इम्पोर्टेंट है जो मॉडल आपने उठाया जहाँ से आपने उठाया जिसकी कॉपी की वो उसका रेशियो वहाँ के लोगों का रेशियो देखिए बीस स्टूडेंट के साथ में एक टीचर है उससे कम भी है और हमारे यहाँ अस्सी के बीच में भी एक नहीं है ढंग से इतनी पोस्टें खाली हैं बेहद रूप से पोस्टें भरने के बाद भी आप रेशियो पूरा नहीं कर सकते जिस आप मल्टीपल इंट्री और मल्टीपल एग्जेट की बात कर रहे हैं उसी में उलझा रहेगा क्लर्कल स्टाफ को आपको ट्रेनिंग करने बहुत करना पड़ेगा पाँच साल पहले परपक्व बनाइए उनको ट्रेनिंग दीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कीजिए क्लासरूम डेवलप करिए तब जाके इस लेवल पे आप आएंगे आपकी स्वायत्तता लेवल की बात करिए और आप करिए कि हाँ ठीक है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल इंट्री और मल्टीपल एग्जिट कर रहे हैं कॉमन सिलेबस बना देने का ये ये एकदम जो जो इन्होंने निकारा है खासतौर से मैं नौकरशाही को इसमें दोष देना चाहता हूँ हम लोगों ने देखिए मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का महामंत्री भी हूँ तो कॉमन सिलेबस का हम लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था विरोध बनता भी है किसी भी दुनिया की यूनिवर्सिटी में कॉमन सिलेबस नहीं है क्यों नहीं है मैंने बताया कि आँख का डॉक्टर किडनी का इलाज नहीं कर सकता सबकी स्पेशलाइजेशन सब विश्वविद्यालयों के कुलपति कुलपतियों ने होड़ में कि नंबर वन नंबर वन बनने की होड़ में अच्छा हमने लागू कर दिया हमने लागू कर दिया वो एकदम क्योस मच गया है आप टीचरों से बात कीजिए ऑफ द रिकॉर्ड बात करिए ऑन द बहुत से हमारे जैसे टीचर भी हैं जो ऑन द ऑन द रिकॉर्ड आपसे बात करेंगे बहुत से लोग नहीं करेंगे लेकिन हाँ अधूरी तैयारी के साथ यदि मिशन अच्छा था इनकी सोच अच्छी थी तो तैयारियों के साथ करते हो सकता है इनको बहुत सफलता भी मिलती अभी मुझे नहीं ऐसा दिख रहा है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत प्रभावी होगी और जो इसके नुकसान की बात है देखिए एक महत्वपूर्ण बात मैं कहना जा रहा हूँ अभी क्योंकि जल्दीबाजी होगी लेकिन जो परिणाम दिख रहे हैं क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि भाई हम उन परंपरागत कार्यों को बढ़ावा देंगे इसमें लोगों को ये मेकिंग सिखाएंगे एक प्रोफेसर थे बी के उन्होंने कंडे बनाना सिखाए ठीक है तो आप एजुकेशन कहाँ ले जाना चाहते हैं ये भी ये भी एक विचार का और डिस्कशन का विषय है इसके बाद कह रहे हैं जो परंपरागत कार्य थे आपके हाँ, उनसे नहीं की बात हो रही है परंपरागत कार्य थे परंपरागत कार्य क्या थे इस देश का बहुसंख्यक जो है जिसको बहुजन आबादी बोला जाता है एस सी एस टी ओ बी सी माइनॉरिटीज ठीक है जो खासतौर से जो सबसे ज़्यादा है पॉपुलेशन में उनके व्यवसायिक कार्य क्या थे कुमार का घड़ा बनाना चमार का कार जूते बनाना ठीक है तो आप उनसे जोड़ना चाहते हैं परंपरागत कार्यों से वो वाला कार्य मतलब आप एक हिसाब से इनडायरेक्ट रूप से उसी व्यवस्था को लाना चाहते हैं जो एक हम लोग कहते हैं कि जो हायरेरिकल व्यवस्था थी जो श्रेणीबद्ध व्यवस्था थी जहाँ पर उच्चतर एक श्रेणी एक वर्ग दूसरा वर्ग का कार्य नहीं कर सकता था दूसरा तीसरे का नहीं कर सकता था और पढ़ने पढ़ाने का अधिकार केवल एक वर्ग को था जिसको ठीक है तो क्या आप ऐसा करना चाहते हैं कि परंपरागत कार्यों को जोड़ने का मतलब कि आप उनके बस भाई आपके परंपरागत कार्य हैं ये करिए इससे बाद आप दूसरा ना करिए इनडायरेक्ट रूप से आपको ऐसा नहीं महसूस हो रहा कि पुरानी परंपराओं को ये लोग वो खासतौर से जो ऐसी परंपराएं हैं जिनकी आलोचना होती है और जो समाज के लिए हमारे भारत जैसे देश के लिए अच्छी व्यवस्था नहीं मानी गई है जिसके लिए बाबा साहब स्ट्रगर देखिए बाबा साहब के आर्टिकल मैं खोल के रखा हूँ तो बाबा साहब ने इतना विरोध किया उस सामाजिक व्यवस्था को जिसको हम कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं होने चाहिए चार वर्णों की व्यवस्था ठीक सर बहुत बहुत धन्यवाद इतना जिंदर वर्मा जी जो प्रोफेसर हैं दार्शनिक विभाग के इन्होंने बेबाकी से नई शिक्षा नीति को लेकर अपनी बात रखी और उन्होंने कहा कि सरकार को थोड़ी सी इस पर धैर्य रख के और चीज़ों को बेहतर करके ढंग से सोच के शिक्षा नीति लानी थी हालांकि उन्होंने कहा कि ये सरकार नहीं नौकरशाहों को भी सोचने की जरूरत थी इस पर और जो कॉमन शिक्षा की व्यवस्था है कि भी सब लोग कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हैं तो उसमें क्या होगा स्पेशलाइज कोई नहीं बनेगा और इसमें आने वाले समय में समस्याएँ बढ़ेंगी जी धन्यवाद जी नमस्कार बिल्कुल सही